कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। बात की बात है, जिस प्रकार से शुरू में हम लोगों ने इस चीज का विरोध किया था, ट्रस्ट के लोगों से निवेदन किया था, ऐसे लोगों को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है जो रामद्रोही हैं। जिस प्रभु के कार्यक्रम में आना है उनको पहले नकारे हैं कि वहाँ भगवान का कोई अस्तित्व नहीं। राम मंदिर और भगवान राम सबके हैं। ये एंटी हिंदू नहीं होते तो क्यों प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में आने से कांग्रेसियों ने अपने को वंचित रखा? मंदिर मस्जिद जाना ये लोगों का व्यक्तिगत आस्था का इशू है, इसमें बीजेपी राजनीति क्यों करना चाहती है? नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो। समय 12 से 2 दिन की सियासी खबरों को डीकोड करने के लिए वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। एक एक कर जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ पंकज शर्मा जी, राकेश शुक्ला जी, विजय त्रिवेदी जी, दिबांग जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। तो 11 दिन बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तारीख 22 जनवरी। पूरे देश में इसको लेकर माहौल जबरदस्त है और इसका असर राजनीति पे साफ तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया, किनारा कर लिया और इसी को लेकर आज बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जनता कांग्रेस का बहिष्कार करेगी, ये कहना है बीजेपी का। बीजेपी हमलावर, कांग्रेस को घेर रही है, कांग्रेस की बहिष्कार की आदत है, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस को खुद कांग्रेस बदल सकती थी अपने आप को, ये गांधी नहीं ये नेहरू की कांग्रेस है और कांग्रेस कट्टरपंथ की राजनीति करती है। सुनिए जरा किस तरीके से बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। हाल में आपने देखा, चंद महीने पहले की बात है, पिछले वर्ष की नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया हमारे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और द्रौपदी मुर्मू जी के अभिभाषण का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता था। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रतिरोध के बाद आधे अधूरे मन से रस्म अदायगी के लिए 2009 के बाद शुरू किया और अब हम उसको गर्व के साथ मनाते हैं। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है, परंतु उनकी बुद्धि परिष्कृत होने का नाम नहीं ले रही है। आज जब अयोध्या में श्री रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और उस समय एक बार पुनः कांग्रेस ने अपनी उसी प्रवृत्ति के अनुरूप, क्योंकि यह भारत के इतिहास का ऐतिहासिक पल है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। तो बीजेपी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर पहले की गई और बीजेपी ने निशाने पर कांग्रेस को लिया है। बीजेपी कांग्रेस पर हमला करने के लिए अब सरकार में शामिल बड़े बड़े चेहरों को भी मैदान में उतार रही है। बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो सामने आ रहे हैं, बयान दे रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं। कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी का तंज, कांग्रेस का चाल और चरित्र दोनों सामने आ गए। जनता कांग्रेस का बॉयकॉट करेगी, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस ने भारतीय संस्कृति का अपमान किया है, ये कहा जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से। सुनिए जरा। और इस सबके बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कांग्रेस के फैसले पर बीजेपी की तरफ से तंज किया जा रहा है। कांग्रेस का न्योता ठुकराने पर बीजेपी हमलावर है। जनता कांग्रेस का बहिष्कार कर रही है, कांग्रेस की तो बहिष्कार की आदत रही है। कांग्रेस खुद को बदल सकती थी, ये गांधी नहीं ये नेहरू की कांग्रेस है। सुनिए जरा कैसे बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस का चाल चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बायकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बायकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। सोनिया जी के नेतृत्व में
जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। श्री राम हमारे आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान हैं, और भगवान श्री राम ही भारत की पहचान है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को अस्वीकार करना भारत की पहचान को अस्वीकार करना है, भारतीय संस्कृति को अस्वीकार करना है, और इसीलिए तो कांग्रेस कहीं की नहीं रही। मैं बड़ी स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो पहले से राम जी को मानते ही नहीं थे, काल्पनिक मानते थे, वो लोग आज जाना चाहते नहीं तो बहाना कुछ भी कर लीजिए। ये कार्यक्रम न्यास का है, न्यास ने प्रधानमंत्री जी को न्योता दिया है उनका शुभारंभ करने के लिए, और इस देश के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री जी के हाथों ही इसका भव्य शुभारंभ होना भी चाहिए था। अब बाकी जिसको इस आत्मग्लानी भाव में जलना है, जल के पड़ जाए, उकरे खाते हम क्या करें। तो बीजेपी कांग्रेस पर पूरी तरीके से हमलावर, और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि न्योते को ठुकराने का काम जो कांग्रेस की तरफ से किया गया है, कांग्रेस ने ठुकराया न्योता, सियासी फायदा या घाटा, आपको क्या लगता है पंकज जी? ये सियासी फायदे या घाटे की बात नहीं है, ये एक सैद्धांतिक रवैया अख्तियार करने की बात है। देखिए, कांग्रेस ने जो ससम्मान न्योता ठुकराया है, स्वीकार किया है, वो 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह कथित तौर पर हो रहा है उसको अस्वीकार किया है। अब ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह है या ये भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन है या ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रतिनिधि सभा का सम्मेलन है, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि फरमान से पेड़ों पर कोई फल नहीं आते, तलवार से मौसम कोई बदला नहीं जाता, दावतनामा है या हुक्मनामा है। अरे कांग्रेस को 22 जनवरी के बाद जब जाना है जाएगी, ठीक है, 17 अप्रैल को रामनवमी है, हो सकता है 640 जिलों के कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल रामनवमी के दिन 17 अप्रैल को अयोध्या पहुंचे। तो ये जबरदस्ती क्या है कि 22 जनवरी को ही आइए, और अगर आप 22 जनवरी को नहीं आएंगे तो आप रामद्रोही हैं। सही कह रहे हैं, इसमें रामद्रोह का कोई, आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस को जब जाना होगा वहां पर जाएगी, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि 24 चुनाव में तो कांग्रेस को जाना ही जाना है और वो तो तय वक्त पर जाना है। ऐसे में विजय जी सवाल ये उठता है कि सैद्धांतिक फैसला जो पंकज जी कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस की तरफ से लिया गया, पर जब चुनाव में कांग्रेस पार्टी जाएगी तो फिर ये सैद्धांतिक फैसला कहीं चुनावी राजनीति में भारी तो नहीं पड़ जाएगा? कांग्रेस का ये फैसला दुविधा से निकलने का फैसला है। इतने समय से कांग्रेस इस दुविधा में चल रही है कि क्या उसे सेक्युलरिज्म के जो अपना स्टैंड रहा है उस पर चलना है, या जो हिंदुस्तान में आज मौजूदा माहौल बन रहा है उस पर चलना है। भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा काम किया है, खासतौर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, कि उन्होंने धार्मिक पहचान को अनअपोलॉजिटिक बना दिया है। पहले आप धार्मिक पहचान को लेकर थोड़े से अपोलॉजिटिक होते थे कि रहना है कि नहीं रहना, और उस पर एक नाम होता था सेक्युलरिज्म, सेक्युलर होना। तो नरेंद्र मोदी की सरकार, या भारतीय जनता पार्टी कहें, सरकार ना कहें, भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिया है कि अगर आपकी कोई धार्मिक पहचान है तो उसे सार्वजनिक तौर पर बताना सेक्युलरिज्म के खिलाफ नहीं है और कोई अपोलॉजी वाली बात नहीं है। बहुसंख्यक होना कोई ऐसा अपराध भाव नहीं है, एक बड़ा बात है। कांग्रेस का स्टैंड देखें तो 1951 से आज तक में मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं आया। पहले वो सार्वजनिक तौर पर करती थी, अभी दुविधा से निकलते निकलते कि कर्नाटक के मठ मंदिरों में जाके, गुजरात में जनेऊ पहनकर, फिर काशी विश्वनाथ के दर्शन करके, फिर महाकाल के दर्शन करके, और आज तय कर। लेकिन इसका जो मैं समझता हूँ कांग्रेस ने जो तय किया होगा जी, उसमें ये समझ आया होगा कि उत्तर भारत में या हिंदी बेल्ट में तो उसे कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है, क्या वो दक्षिण भारत में अपने वोट बैंक को बचा सकती है या सीटों का बढ़ावा कर सकती है, ठीक है, ऐसा उन्होंने सोचा होगा, ऐसा मुझे, ठीक है सर। लेकिन जो बात आपने कही ना कि साहब दुविधा से बाहर निकलने वाला, ये दुविधा से बाहर निकलने वाला कांग्रेस का फैसला या फिर दुविधा बढ़ाने वाला? और मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि राम मंदिर के न्योते को लेकर अब कांग्रेस के भीतर भी फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। पार्टी के नेता हैं,
अयोध्या का न्योता ठुकराने के अपनी ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस की हिमाचल सरकार के मंत्री। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। कांग्रेस के नेता हैं प्रमोद कृष्णम, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो न्योता ठुकराया गया है उसे दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। गुजरात कांग्रेस के बड़े नेता हैं अर्जुन मोढवाडिया, वो कह रहे हैं ऐसे फैसले से पार्टी को दूर रहना चाहिए था। समझता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है, और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि उन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है, और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। देखिए कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे, हमें किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। अब मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। तो ये इंडिया गठबंधन में शामिल साथी दल के नेता को आपने सुना, खुद कांग्रेस पार्टी के नेता को आपने सुना, और इसी वजह से सवाल बढ़ा कि कांग्रेस ने जो फैसला लिया है ये न्योता ठुकराने का फैसला, कहीं ये कांग्रेस के लिए सियासी घाटे का सौदा तो नहीं बन जाएगा। और इस बीच आपको बता दें जो कांग्रेस की तरफ से न्योते को नामंजूर किया गया है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जाने को लेकर, उस पर अब प्रतिक्रिया सामने आ रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री हैं चंपत राय, उनका बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि न्योता देना हमारा काम, आना ना आना ये मेहमान पर निर्भर करता है। सोनिया गांधी के न आने पर उनकी तरफ से ये बात कही गई है, सुनिए। सोनिया गांधी ने मना कर दिया, कहा मैं आऊंगी नहीं राम मंदिर के कार्यक्रम में। देखो भाई, हमने अनेकों लोगों को कहा है, अनेकों लोग नहीं आ रहे। सबका शरीर है, स्वास्थ्य है, मौसम है, जलवायु है, पानी है, व्यस्तता है, अनेक कारण रहते हैं। लेकिन इसके कारण आपने उनका नाम क्यों पूछा? उनसे कोई ज्यादा प्रेम है क्या आपका? चंपत राय को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं हमारा काम तो न्योता देने का है, और कहीं ना कहीं वो राजनीतिक सवाल एक तरीके से जो घुमा फिराकर सोनिया गांधी के नाम के साथ उनके सामने परोसा गया, उस पर एक तरीके से आपत्ति भी उन्होंने जता दी। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 आप देख रहे हैं। हम चर्चा कर रहे हैं राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने का न्योता कांग्रेस ने जो ठुकराया है उस पर हो रही सियासत की। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी ये मिल रही है, संसद का अगला सत्र तारीख सामने आ गई है 31 जनवरी। जी, इस वक्त की बड़ी खबर, 31 जनवरी से संसद का अगला सत्र होगा, 9 फरवरी तक ये सत्र चलेगा। आप जानते हैं 1 फरवरी वो तारीख जब अंतरिम बजट आना है, और ऐसे में ये बजट सत्र है 31 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक संसद का ये बजट सत्र चलेगा। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ साल के इस पहले सत्र की शुरुआत होगी। 31 जनवरी को ही आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, और 1 फरवरी फिर वो तारीख जब अंतरिम बजट पेश होगा। अंतरिम बजट इसलिए क्योंकि इस बार लोकसभा चुनाव है, तो ऐसे में इस बार 1 फरवरी को आम बजट नहीं अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर अब मैं आपको देने जा रही हूं पॉलिटिकल शो में, ये खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई है, अहम खबर है, और आ रही है उत्तर प्रदेश मायावती की पार्टी बीएसपी के कैंप से। इस वक्त की बड़ी खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, बीएसपी की तैयारी बड़ी है, मिस्ड कॉल से लोगों को जोड़ने की बीएसपी की तैयारी है। मायावती के भतीजे जारी करने वाले हैं एक नंबर जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बहुजन समाज पार्टी के साथ जोड़ा जाए।
ये देख रहे हैं आप, मुझसे जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल करें, ये है बीएसपी की बड़ी तैयारी। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं। क्या डिटेल्स मिल रही हैं अभिषेक, किस तरीके से देखा जाए बीएसपी की इस तैयारी को, नए वोटर युवा वोटर्स को एक बार फिर बीएसपी से जुड़ने के लिए ये कमान क्या मायावती के भतीजे आकाश संभालते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल रोमाना, देखिए आकाश आनंद नए नए प्रयोग कर रहे हैं, बीएसपी की पूरी जो शक्ल है उसको जो आज के नए वोटर है, युवा वोटर है, उनके साथ में जोड़ करके, उनके साथ में कनेक्ट हो सके, इसलिए उसको रीशेप किया जा रहा है और ये सब बहन जी के मार्गदर्शन में हो रहा है। मैं आपको अहम बात बताऊं कि बीएसपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक मिस कॉल नंबर जारी किया गया है और आकाश आनंद ने बाकायदा अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं रोमाना, उसी समय ये ट्वीट किया है कि वो इसके जरिए एक मैसेज देना चाहते हैं कि लोग उनसे जुड़े और एक नई दिशा में पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। उनकी बहन जी के साथ में मीटिंग्स हो रही है, वो स्ट्रेटजी को फाइनल कर रहे हैं और उसमें सबसे अहम बात यह है रोमाना कि जो ग्राउंड लेवल का जो कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल का उनका बूथ का काम करने वाला है, वो डायरेक्ट टॉप लेवल से जुड़ेगा, बीच में कोई अवरोध नहीं होगा। इसीलिए ये मिस कॉल नंबर जारी किया गया, जो इसमें फोन करेंगे उनको फोन जाएगा, यहां से एक टीम होगी वो उनको कॉन्टेक्ट करेगी और उनकी क्षमता के मुताबिक उनमें कामों का बंटवारा किया जाएगा। तो ये नए युवा वोटरों को खासतौर पर आकर्षित करने के लिए एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी प्लान है जो आकाश आनंद की अगुवाई में आकार ले रहा है। बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। एक जल्दी से छोटा सा रिएक्शन इसी खबर पर राकेश शुक्ला जी का लेते हैं। इससे कुछ संकेत ये भी मिल रहा है क्या कि इंडिया गठबंधन के साथ बीएसपी जा सकती है या नहीं जा सकती है, या नहीं ये अलग तैयारी पार्टी की अपनी तैयारी? नहीं, पार्टी की तरफ से इंडिया गठबंधन कहिए या देश को कहिए, एक संदेशा दिया जा रहा है कि हम अपने आप को ताकतवर बना रहे हैं, इसलिए हमारी मजबूरी, मतलब आपकी मजबूरी है कि हमें आप नज़रअंदाज करके नहीं चल सकते। और ये एक नई पीढ़ी के हाथ में जैसे ही मायावती जी की तरफ से सत्ता की बागडोर यानी संगठन की बागडोर सौंपी जा रही है, तो उन्होंने बदलते हुए बसपा का एक संदेश दिया है। और आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी मिस्ड कॉल का एक पैटर्न शुरू किया गया था कार्यकर्ता बनाने के लिए, और उसमें भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा किया था 11 करोड़ कार्यकर्ताओं के साथ। तो बहुजन समाज पार्टी भी इस नए प्रयोग के साथ, जो कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है, उन लोगों को, उन दलों को ये संकेत है लोकसभा चुनाव के पहले कि हम कमजोर नहीं है। और आप देखिएगा महीने भर के अंदर एक बड़ा आंकड़ा आएगा बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, और ये बताने के लिए कि देखिए हमसे कितने लोग जुड़े हैं। बिल्कुल, और एक संदेश ये भी जो सवाल पूछते हैं ना कि बीएसपी कहाँ है, उनको भी बताया जाएगा कि देखिए हमारी ये है तैयारियां। तो कहीं ना कहीं एक्शन में आती हुई बीएसपी यहां पर नजर आ रही है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं वो सवाल जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, जल्दी से सवाल ले आइए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम कांग्रेस नहीं जा रही है, कांग्रेस ने ठुकराया न्योता, सियासी फायदा या घाटा? दिबांग जी, देखिए एक तो बड़ी बात मुझे ये लगती है कि हम ये जो पूरा आयोजन है इसमें नेताओं को बहुत ज़्यादा हम उनको ध्यान दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा जगह दे रहे हैं। एक ये भाव बन रहा है कि जो नेता हैं वो सबसे ज़्यादा बड़े जानकार हैं, बड़े ज्ञानी हैं, सबसे ज़्यादा अनुभवी हैं, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा चाल चरित्र इन्हीं का अच्छा होता है, ऐसा एक भाव आ रहा है। और मैं किसी एक पार्टी के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मुझे लगता है कि जितने भी जो धार्मिक लोग हैं उनको इसमें आगे रखना चाहिए, उनको आगे बढ़कर जो प्राण प्रतिष्ठा का और जो भी कार्यक्रम वहाँ करने हैं उनको वहाँ करना चाहिए। तो एक तो ये मुझे लगता है कि इस पर ज़रूर सोचना चाहिए लोगों को, लिखने वालों को, खुद नेताओं को भी, सभी दलों के नेताओं को सोचना चाहिए कि हम इतने क्या इतने बड़े महत्वपूर्ण हैं। ऐसे राम जो बिल्कुल समानता की बात करते हैं, शबरी के बेर खाते हैं, हम क्या वहाँ इतना हमारा महत्व होना ज़रूरी है? एक तो ये बात है, ये बात समझने वाली है, हमारे समाज को भी समझने वाली है। दूसरी बात मैं जो अगर इसी मुद्दे पर अगर सीधे आऊँ, मुद्दे से न बचता हुआ, कहीं आप ये ना समझें कि मुद्दे से बचने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कांग्रेस ने ये तय किया है कि वहाँ वो नहीं जा रहे हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें कांग्रेस में भी है, कांग्रेस के अंदर इस मुद्दे को लेकर जो अलग अलग आवाज़ें हैं वो आती रहती हैं सामने। अगर आप देखें तो ताला खुलवाया तब कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी की सरकार रही, जो उन्होंने अपना 89 का पूरा प्रचार शुरू किया वो अयोध्या से शुरू किया, वहाँ से आज कांग्रेस कहाँ पहुंच गई है ये कांग्रेस को एक देखने वाली बात है कि कांग्रेस किस तरीके से बदली है इस मुद्दे को लेकर, इन मामलों को लेकर। जी,
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये सब जब हो रहा है, जब नेताओं को इतना ध्यान दिया जा रहा है, इतना नेता फोकस में है, उसमें मीडिया का, मेरी ये बात सुन लीजिए रुमाना, आप जी करके रोकिए मत, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस है मीडिया का। आप मीडिया को कैसे खेलते हैं, मीडिया से आप कैसे रूबरू होते हैं, मीडिया का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो कांग्रेस को बीजेपी से सीखने की ज़रूरत है। आप नहीं जा रहे हैं उस पर, आप एक छोटा सा खत भेज देते हैं, आपकी डिटेलिंग नहीं है, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर वो काम पूरा नहीं हुआ, आप दो पैराग्राफ डिटेलिंग करते, लोगों को बिठाते, जानकारों को बिठाते, बात करते, अगर मनाही करना था वहां जाने से तो बेहतर तरीके से इसको डिटेलिंग करनी चाहिए थी और मीडिया में वो बात आनी चाहिए। ठीक है शुक्ला जी, मेरा मानना है कि एक कहावत है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज करें। कांग्रेस कुछ इसी पद्धति पे है कि राम मंदिर को लेके अयोध्या नहीं जाएगी, लेकिन कर्नाटक में, कर्नाटक की जो कांग्रेस की सरकार है वो 34,000 मंदिरों में 22 जनवरी को पूजन करवा रही, विशेष पूजन। फिर छत्तीसगढ़ में जब अपने भूपेश बघेल जी चीफ मिनिस्टर थे तो वो राम वन गमन और कौशल्या जी को लेके एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम कर रहे थे, राम कथा कराया उन्होंने और राम वन गमन मार्ग को दुरुस्त किया कि जिससे लोगों के आने जाने की सुविधा हो। तो सबसे पहले तो ये क्लियरिटी होनी चाहिए कांग्रेस के अंदर कि क्या वो राम मंदिर के मुद्दे पर राम के साथ है या नहीं है। इसीलिए आप देखिए पहले से ही क्लियरिटी नहीं होने के कारण आज भी कांग्रेस के अंदर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने को लेके मतभेद है। कांग्रेस का एक बार कह रहा है नहीं जाएंगे, दूसरा बार कह रहा है हम जाएंगे। लेकिन अच्छा हुआ आपने ये बताया, आप ही से मेरा सवाल है, आपने कहा कि 22 जनवरी को कर्नाटक में देख लीजिए कांग्रेस की सरकार है सारे मंदिरों में, वो कह रहे हैं बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि हम वहां पर मंदिरों में पूजा करवाएंगे कर्नाटक में। आपने बताया कैसे रामगमन पथ और वो कौशल्या धाम छत्तीसगढ़ में बनवाया गया, तो यहां तो कांग्रेस कह रही है ना, वो कह रही है ये बीजेपी का कार्यक्रम है, वो कह रही है बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है प्रभु राम को, वो कह रही है इस वजह से हम इस कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, विरोधाभास कहां है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत को राजनीतिक दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है, एक अल्पसंख्यक एक बहुसंख्यक। अब सबसे जो मजेदार बात है वो ये है कि अल्पसंख्यक को लेकर सारे बड़े दल जो हैं वो केंद्रित हो रहे हैं और बहुसंख्यक को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दे रहे हैं। हमारा ये कहना है कि आप यदि भारतीय जनता पार्टी से मुकाबले करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक बड़ा गठबंधन बन के भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा हो, तो आपको अल्पसंख्यक मोह छोड़ के बहुसंख्यक के साथ जाना चाहिए और उसका सबसे बड़ा माध्यम ये है कि समयानुकूल युगानुकूल आपको चलना पड़ेगा। और आज के समयानुकूल ये है कि जब पूरा देश राममय माहौल में रचा हुआ है तो आप उससे अलग हट के राजनीतिक बैतरणी पार नहीं कर सकते। तो आप कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों को अपने पाले में लाने के लिए कांग्रेस पार्टी को इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए था, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी को शिरकत करनी चाहिए थी, न्योते को नहीं ठुकराना चाहिए था। खबर बिहार से आ रही है, राम मंदिर को लेकर इंडिया गठबंधन में अलग अलग आवाजें सामने आ रही हैं। नीतीश सरकार में मंत्री हैं मदन सहनी, कह रहे हैं राम मंदिर जाने में दिक्कत क्या है, राम मंदिर पर इंडिया गठबंधन में क्या माना जाए फूट पड़ती हुई दिखाई पड़ा सुनाई पड़ रही है, राम मंदिर जाने में दिक्कत क्या है, ये सवाल जेडीयू की तरफ से पूछा जा रहा है। सभी हिंदू धर्म मानने वाले राम मंदिर जाएं, ये जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है। हम लोग अयोध्या जाएंगे, नीतीश सरकार में मंत्री मदन सहनी का ये बड़ा बयान सुनिए। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है, कांग्रेस आलाकमान ने न्योते को ठुकरा दिया है, सोनिया गांधी नहीं जा रही हैं, खड़गे नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये तो कांग्रेस के नेता जाने क्यों नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब उस दिन जाए या नहीं जाए, लेकिन हमको लगता है कि जो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं उनको जाने में क्या परेशानी है, क्यों नहीं जाएगा। देश के किसी भी जो भी मंदिर है वहाँ तो लोग जाते ही हैं, तो जब सब मंदिर में जाने के लिए आप स्वतंत्र है और अपने निष्ठा से आस्था से जाते हैं तो फिर अयोध्या में राम मंदिर में क्यों नहीं जाएंगे। जब मौका मिलेगा तो हम लोग भी जाएंगे, दूसरे लोग को भी जाना चाहिए, इसमें कहाँ कोई परेशानी है। कांग्रेस में ही सवाल उठ रहा है, अर्जुन मोटवाड़िया है, गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, विधायक हैं, उन्होंने इस फैसले पर सवाल उठाया, कहा कि इस तरह के राजनीतिक फैसले से दूर रहना चाहिए। आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो इसको बोल रहे हैं दुर्भाग्यपूर्ण और आत्मघाती फैसला साबित। देखिए अब कौन क्या बोल रहा है ये तो हमको जानकारी नहीं है, हम व्यक्तिगत अपना राय देते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है
और जब धर्म निरपेक्ष देश है तो हम दूसरे भी धर्म का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, फिर अपने धर्म को हम कैसे नहीं मानेंगे। और अपने धर्म के हमारे श्री रामचंद्र जी हैं भगवान, ईश्वर, देवता, तो हम उनको क्यों से नहीं मानेंगे। महापुरुष हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे और हम उनके आचरण को क्यों नहीं अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। ये तो करना चाहिए। अगर कोई नहीं मानता है तो इसका मतलब है कि उनको भारत के से, भारत के संस्कृति से, और जो हमारा 84 करोड़ देवी देवता है उनको नहीं मानते हैं। जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं तो इंसान उसको भी नहीं मानेगा। तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए मदन सानी, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज पटना। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, अयोध्या एयरपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि अयोध्या एयरपोर्ट का अभी विस्तार होगा, जल्दी ही फेज 2 के काम में शुरुआत कर दी जाएगी। मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी तरफ से यह ऐलान किया गया। 5 लाख वर्ग फीट में ये एयरपोर्ट पूरा बनकर मुकम्मल तैयार होगा। मानता हूं कि इस हवाई अड्डे की जो शुरुआत अभी की है हमने 6,500 स्क्वायर मीटर मतलब 65,000 स्क्वायर फुट, 600 यात्रियों की पीक आवर में सर्विस की जाएगी, ये मात्र शुरुआत है। और जल्द ही हम फेज 2 की शुरुआत करेंगे जहां 65,000 स्क्वायर फुट के बदले में 5 लाख स्क्वायर फुट का फेज 1 में हवाई अड्डा हम बनाने जा रहे हैं, और जहां 600 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो सकती है वहां 3,000 पैसेंजर्स की पीक आवर में सेवा हो पाएगी। और इसी के साथ रनवे को भी, जो अभी 2200 मीटर का है, वो 3,700 मीटर का हम बनाएंगे ताकि बोइंग और एयरबस A320 नहीं केवल लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विमान भी सीधा अयोध्या में लैंड कर पाए। तो अयोध्या एयरपोर्ट अभी 30 दिसंबर को ही पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, और अब इसके विस्तार की योजना को सामने रखते हुए देश के, आप सुन रहे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया को। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है और चुनावी तौर पर इसको भुनाने की भी बीजेपी की पूरी तैयारी है। बीजेपी ने अयोध्या दर्शन कमेटी बना दी है जिसमें शामिल है बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव संगठन भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बंसल जो राष्ट्रीय महासचिव, धर्मपाल जो प्रदेश संगठन महासचिव है, तरुण चौग जो राष्ट्रीय महासचिव है, दयाशंकर सिंह मंत्री, उनको जिम्मेदारी दी गई है, मानवेंद्र सिंह एमएलसी हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। इस कमेटी में बीजेपी की तरफ से 1 लाख लोगों को रोजाना अयोध्या दर्शन कराया जाएगा। श्रद्धालुओं को अयोध्या दर्शन कराने के लिए 30-35 आस्था स्पेशल ट्रेन्स चलाने की तैयारी, 40 रेगुलर ट्रेन्स भी चलाई जाएंगी। और ये सारी जो तैयारी है वो मार्च तक के लिए है, मतलब जनवरी से लेकर मार्च तक का ये पूरा प्लान जो बीजेपी ने तैयार कर लिया है। इसीलिए अब सवाल आपके सामने जो हम लेकर आ रहे हैं, बीजेपी का ब्लूप्रिंट अयोध्या प्लान हिट, और अयोध्या प्लान मतलब 24 चुनाव से जोड़कर। विजय जी, ठीक है, आप इसको राजनीतिक तौर पर ऐसे कह सकते हैं, लेकिन जब हम बार बार ये बात करते हैं कि बीजेपी का ब्लूप्रिंट, बीजेपी भुनाने की तैयारी में, तो मुझे एक बात बताइए कि पिछले 30 साल में 1989 में बीजेपी ने इसको पालमपुर में जब अधिवेशन में अपने पास किया, तब से लेकर आज तक अकेली वो पार्टी है जो इस पूरे मूवमेंट पर लड़ती रही है। उसको पॉलिटिकल फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, 1989 की रथ यात्रा के बाद भी 91 में उसको बहुमत नहीं मिला, 93 में उसकी 92 की बाबरी मस्जिद ध्वंस के बाद सरकारें चली गई, 93 में उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आई, लेकिन उसने अपने इशू को नहीं छोड़ा, कानूनी तौर पर, राजनीतिक तौर पर, तमाम तरीके से। तो एक तो उसके लिए ये कहना कि वो आज भुनाने की तैयारी में, वो तो 30 साल से अकेली वो पार्टी है जो इस लड़ाई को लड़ रही है। अयोध्या प्लान को लेकर हमने पहले भी चर्चा की थी कि वो इसकी कोशिश में ये है कि ज़्यादातर लोगों को दर्शन के लिए वहाँ लाया जाए, और वो दर्शन 3.5 करोड़ लोग करीब करीब है। अभी ये जो संतोष साहब का और इनका जिक्र किया, इन्होंने अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या में बैठक करके इस पूरे प्लान को किया है, और इसी के साथ RSS VHP भी जो दर्शक वहाँ पर दर्शन के लिए ला रही है, उन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन करके करीब करीब 4-5 करोड़ लोगों को 30 मार्च तक अयोध्या में लाने की तैयारी है। पूरी
मैसेजिंग है और उसका पॉलिटिकल मैसेज दर्शन कराने की तैयारी पॉलिटिकल फॉलोअप तो है उसका। हाँ, बिल्कुल, वो ये संदेश भी तो जाएगा ना कि साहब जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाते हैं, जो हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा था वो हमने करके दिखा दिया था, क्योंकि अन्य जो विपक्षी दल के नेता थे बीजेपी से ही तो पूछते थे ना मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख बताइए कब बनाएंगे, अब वो तारीख बता रहे हैं, आपको न्योता दे रहे हैं। आइए, भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र का तो और भी बहुत से हिस्से थे, वो वादे क्या हुआ, बेरोजगारी दूर करने का वादा क्या हुआ, प्राइस राइज पे जो वादे थे वो क्या हुए, शिक्षा और स्वास्थ्य के जो वादे थे वो क्या हुए, तो एक वादा राम मंदिर का पूरा किया, ये इसलिए किया कि इसका अध्यात्म और धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है, इसका लेना देना है राजनीति से और अयोध्या को एक बड़े बाजार के रूप में पूरी दुनिया के सामने पेश करना। ठीक है, इसीलिए वहाँ ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, आपने देखा नहीं कि 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में बेच दी गई। तो ये सब जो घोटाले हैं, ये घोटाले अयोध्या की असली सच्चाई है। ठीक है, लेकिन सर जो बात आप कह रहे हैं, क्या बीजेपी के जो विरोधी दल हैं वो इस नैरेटिव को जनता तक पहुंचा पाएंगे, जनता क्या इस पर भरोसा कर पाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है ना, और उसी से कहीं ना कहीं वो चुनावी फायदा या घाटा वो तय होगा। और अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन सीट बट एक नया पेच, और पेच कहां फंस रहा है, अब पेच फंस रहा है बिहार में, जहां यह माना जा रहा था कमोबेश बात बन गई है। दरअसल इंडिया गठबंधन में लेफ्ट पार्टियों ने ज्यादा सीटों पर दावा ठोक दिया है, सीपीआई ने 3 सीटों पर अपना दावा पेश कर दिया है। सीपीआई ने 3 सीटें बिहार की बेगूसराय है, बांका है, मधुबनी है, वहां उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है, और इतना ही नहीं सीपीआई एमएल ने भी 5 सीटों पर अपनी दावेदारी जता दी है। इंडिया अलायंस में कोई दिक्कत नहीं है, सीट बंटवारों को लेकर जो लोग इतना परेशान हो रहे हैं, हर एक को अपना अधिकार है सीट मांगने का, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, जनता दल यू हो, कहां कोई दिक्कत है, बैठ के सब सुलझ जाएगा। लेकिन एनडीए के लोग बताएं ना पहले हाजीपुर से कौन लड़ेगा, उसके बारे में आप लोग कोई चर्चा नहीं करिएगा। लेकिन इंडिया अलायंस जो मजबूत अलायंस है, हर एक एक्शन पर, हर रोज, हर एक घंटे आप लोगों को एक सवाल करना है। जहां तक बिहार में इंडिया अलायंस या महागठबंधन के स्वरूप की बात है, सबसे ज्यादा जीते हुए एमपी जनता दल यूनाइटेड के, तो हमारी जीती हुई सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे। और जहां तक अन्य पार्टियों में सीट बंटवारे का सवाल है, तो यह राष्ट्रीय जनता दल को तय करना है कि कांग्रेस पार्टी या वाम दल के लोग किन सीटों पर कैसे चुनाव लड़ते हैं। यह बातें हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने कई बार कई मौकों पर स्पष्ट कर दी हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं। तो आइए जरा इसी पर बात कर लेते हैं, अब इंडिया में सीट पर फूट, चुनाव में कैसे होंगे एकजुट, ये बिहार को लेकर तो कमोबेश माना जा रहा था दिबांग जी मामला सुलझ जाएगा, लेकिन यहाँ तो उलझता दिख रहा है। देखिए, बिहार पर उस दिन भी मैंने कहा था कि अगर ये 16-16 सीटों पर मान जाते हैं तो कांग्रेस 4 और 2 सीपीआई और सीपीआईएमएल को मिल सकती हैं, ये उस दिन भी ये बात हुई थी। और ऐसा नहीं कि मामला सुलझ जाता है, ये बातें लंबी चलती हैं, ये पार्टियां ऐसी नहीं हैं जो एक बड़ी डिसिप्लिन सिपाही की तरह हों और सेना की टोली हो कि उन्होंने कह दिया और सब लोग मान गए जी। ये मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि आप ये तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम मान लेने के बावजूद, बहुत सारी फ्रेंडली फाइट्स होंगी इन पार्टियों की, और हमने इनका इतिहास देखा, ये फ्रेंडली फाइट्स होती रहती हैं। अब उस पर आप लोग ज़रूर उसकी बखिया उघेड़ेंगे कि भाई फाइट होती है, फ्रेंडली फाइट क्या होती है, लेकिन ये सब इन पार्टियों का चरित्र है, ये इस तरीके से ही चलती हैं। और बिहार में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बहुत सारे पॉकेट्स हैं जहां लेफ्ट अभी भी बहुत मजबूत है। बिहार में लेफ्ट के चुने हुए नेता केंद्रीय मंत्रिमंडल में अच्छे अच्छे मंत्रालय संभालते रहे हैं, और लेफ्ट पार्टियाँ जो इस बार गायब दिख रही हैं, वो ये जब इस तरह से जब भी गठबंधन बनते रहें तो एक तरीके से आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, आपका कार्यक्रम कैसा हो, मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या हो, उसमें लेफ्ट पार्टियों के नेताओं की बड़ी भूमिका रही है। ठीक है, लेकिन ऐसे में हैरानी नहीं होती राकेश शुक्ला जी की, मतलब लेफ्ट पार्टियां जो कह रही हैं कि हाँ सब साथ में मिलकर लड़ेंगे, 2019 की अगर बात की जाए तो एक सीट पर बिहार में चुनाव लड़ा गया था लेफ्ट की तरफ से, और इस बार सीपीआई जो है 3 सीटों पर दावा ठोक रही है, सीपीआई एमएल माले सामने आ गई है वो 5 सीटों पर दावा ठोक रही है, मतलब हो क्या रहा है।
दो चीज़ें अलग अलग समझिएगा। लेफ्ट पार्टी को लग रहा है कि राजनीति में हमारी प्रासंगिकता धीरे धीरे कम हो रही है, तो उन्होंने सबसे पहला दावा किया बायनार सीट पे। तो बायनार सीट पे दावा करते ही वो सीधे हाइप पे आ गए। अब उसके बाद उन्होंने बिहार पे कर दिया है दावेदारी। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में जो जेडीओ का रुख दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है क्या जेडीओ इंडिया गठबंधन में रहेगा। क्रमबद्ध तरीके से देखिए तो जब जेडीओ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार जी ने सबसे पहला अटैक कांग्रेस पे किया। उसके बाद जब आरजेडी की तरफ से राम मंदिर के मुद्दे पे आपत्तिजनक टिप्पणी की गई तो जेडीयू उसके बचाव में आई और उसने कहा कि इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहिए। आज जेडीयू के मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मंदिर के पक्ष में हैं। हाँ, और जेडीयू में नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि 17 सीट से कम पे हम मानेंगे नहीं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे ये है कि जो वहाँ का सबसे बड़ा दल है, चीफ मिनिस्टर है जेडीयू, वो इंडिया गठबंधन पे रहेगा नहीं रहेगा। यदि वो रहेगा तब सीट बंटवारे की बात आगे स्पष्ट होगी। आपने तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया यहां पर कि नीतीश कुमार रहेंगे इंडिया गठबंधन में या नहीं रहेंगे। और जेडीयू के नेता के तो अभी बोल सुनी लिए थे, कह रहे साहब जो जीती हुई सीटें हैं उन पर तो हमारी दावेदारी हम नहीं छोड़ने वाले। तो मतलब 40 में से 16 तो आप ऐसे हटा दीजिए, तो बची कितनी 24। तो मतलब आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट सब 24 में गुजारा कर ले, होगा क्या इस पर हमारी नजर है। लेकिन बिहार में सीपीआई ने 3 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। सीपीआई के नेता हैं विजय नारायण मिश्र, उन्हीं से बात की हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने, सुनिए। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई के नेता हैं जो बताएंगे कि आप लोगों ने 3 सीटों का दावा ठोक दिया है कि इन 3 सीटों पर लड़ेंगे, क्या आधार है, क्या आप लोग की बात बनेगी या आप लोग 3 सीट पर लड़ेंगे? देखिए आपने दो बातें की कि आधार क्या है और 3 पर लड़ेंगे आप, तो आधार हमारा 1 दर्जन सीट है जहां हम जीते हुए हैं। कभी न कभी बेगूसराय हमने कई बार जीता है, मधुबनी हमने कई बार जीता है, बांका से हम लड़ते रहे हैं सदा, और कभी सेकंड कभी थर्ड ये पोजीशन जो है हमारा बांका में भी रहा है। तो हम लोगों ने पहले लगभग 1 दर्जन सीट का किया था चुनाव की हम लोग, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन जो बना और जब हमारा टारगेट है कि हम बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं, हटाएंगे, तो उसमें तो हमको कंसीड करना पड़ेगा। अगर हम ही कहेंगे कि नहीं इतना सब सीट पर तो बाकी क्या होगा, इसलिए हम लोगों ने बार बार इस पर मंथन किया। और इधर हाल में सेक्रेटेरिएट की बैठक जब हमको विद सेक्रेटेरिएट की बैठक करके पुनर्विचार किया इस पर, और पुनर्विचार करके 3 सीट का चयन किया, बेगूसराय बांका और मधुबनी। मधुबनी में जानते हैं भूपेंद्र झा का एक बार जीते, चतुरान मिश्र भी जीते, सेंट्रल में मिनिस्टर भी बने, सब कुछ हुआ। तो कम्युनिस्ट पार्टी का ऑर्गेनाइजेशनल वजूद तब तक कायम नहीं रह सकता है जब तक कि हम अपना जीते हुए सीट पर कम से कम दावा भी नहीं करें और लड़ें भी नहीं, तो कैसे चलेगा? डिमोरलाइजेशन फैलेगा हमारी पार्टी संगठन के अंदर। इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम इसको कंसीड करते हुए कि इंडिया गठबंधन में हम कहीं कोई मैंने बाधा नहीं बने, हमने अपने को ये काम करके 3 सीट का चयन किया कि 3 सीट पर हमको लड़ना चाहिए और हमने वो दावा किया है, यही हमारा आधार है। तो क्या ये 3 सीट पर आप तैयार हैं, चाहे जो हो जाए, सीट शेयरिंग का मामला फंसे या बजे या फिर सुलझे, 3 सीट पर लड़ेंगे ही? देखिए आपने फिर 2 सवाल कर दिया है कि मामला बजे या सुलझे। मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा है आपको कि हम लोगों ने इस चीज़ को कई बार इस पर विचार किया। तो लेफ्ट पार्टी के नेता को आप सुन रहे थे, पूरी तरीके से वो डटे हुए हैं अपनी मांग पर कि भाई बहुत सोच विचार कर लिया है, दर्जन भर सीटों पर दावा बन रहा था लेकिन 3 सीटें तो ऐसी हैं जिस पर हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे में फिर गठबंधन कैसा बना रहेगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे तय पाया जाएगा, और सबसे बड़ा सवाल यहां पॉलिटिकल शो में जो अभी अभी राकेश शुक्ला जी की तरफ से खड़ा कर दिया गया क्वेश्चन मार्क के तौर पर, नीतीश कुमार विजय जी रहेंगे या नहीं रहेंगे
सब कुछ उसी पर निर्भर करेगा क्या? अभी गुंजाइश बचती है कि इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दे नीतीश कुमार? मुझे नहीं लगता, लेकिन जो नीतीश कुमार जी का पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो राकेश शुक्ला जी की बात को सपोर्ट करता है कि क्या वो कब कब बदल सकते हैं, कब नहीं बदल सकते, शायद वो भी खुद जानते हैं कि नहीं जानते, इसलिए ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे आज की तारीख में नहीं लगता कि अब वो इस स्थिति में आकर फिर से पलटें और एनडीए के साथ आ जाएं या खड़े हो जाएं। और दूसरा, उससे क्या फ़ायदा होगा? आज वो प्रधानमंत्री के खिलाफ खड़े होकर एक बड़े नेता के तौर पर चैलेंज करते हुए दिख रहे ना, वहाँ तो प्रधानमंत्री के अंडर में आकर ही कुछ करना होगा, तो उससे कौन सा उनको बड़ा फर्क पड़ जाएगा? या वो 2025 के चुनाव की तैयारी के हिसाब से सोच रहे हैं तो अलग हो सकता है। मैं उस पर कोई बहुत समझता नहीं कि जेडीयू के लिए बड़ा फैसला फायदेमंद हो सकता है अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो। लेकिन जैसे गठबंधन की बात आप बार बार कर रहे हैं, और हम लोग, जैसा मिश्र जी ने भी कहा कि हम लोग बहुत फ्रजाइल समझते हैं उसको, इंडिया गठबंधन को, ऐसा नहीं है। एक बात तो समझ लीजिए कि इस गठबंधन की बेसिक समझ में है कि हम 400 सीटों पर वन ऑन वन, मतलब एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे 400 सीटों पर, 543 सीटें हैं, तो करीब करीब 150 सीटें तो वो बची गई हैं जहाँ पर दिबांग साहब जिस बात का जिक्र करेंगे फ्रेंडली फाइट हो सकती है या अलग अलग लोग लड़ सकते हैं। और इतना आसान भी नहीं होता कि इतनी पार्टियों का अपनी दावेदारी है, कोई दूसरे नंबर पर रही है, कोई तीसरे नंबर पर रही है, किसी सीट पर किसी को जीत मिल गई है, नहीं मिली है, तो वो लगता है। और इनकी बात को फेस वैल्यू के तौर पर नहीं लेना चाहिए। मिश्र जी ने कह दिया और आपने कहा कि नहीं, आप 3 सीटों से कम पे तो नहीं जाएंगे आप। हाँ। ऐसा नहीं है। कोई भी लीडर जो है जब अपनी बात रखता है तो ज़्यादा दमदार तरीके से और ज़्यादा सीटों के साथ रखता है। गठबंधन में जाके कितनी बातें होती है, और 2 सीटें तो उनको वैसे भी मिलने ही वाली है वहाँ पर, तो 2 और 3 में कोई इतना बड़ा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। और गठबंधन, मैं फिर से कह रहा हूँ, सीट शेयरिंग की वजह से नहीं टूटेगा, अगर टूटा भी तो। ठीक है, सीट शेयरिंग अकेली ऐसी वजह है जिसकी वजह से गठबंधन, इंडिया गठबंधन नहीं टूटने वाला, और बहुत सारे 100 कारण हो सकते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग नहीं। पंकज जी, आप सहमत हैं? देखिए, गठबंधन टूटने का तो सवाल ही नहीं है। पहली बार है जब 28 राजनीतिक दल विपक्ष के इस तरह से साथ आए हैं, और उनके लिए करो या मरो की एक तरह की परिस्थिति है, तो गठबंधन तो कायम रहेगा। और 425 के आसपास सीटों पर इंडिया समूह के राजनीतिक दल एक सर्वसम्मत उम्मीदवार उतारेंगे, जल्दी ही ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस जैसी पार्टी ने शुरू से ही ये साफ कर दिया था कि हम इस एकजुटता को विपक्ष की बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक का त्याग करने को तैयार हैं, और भीतर ही भीतर बाकी सारे राजनीतिक दलों की मनस्थिति भी यही है। अब अपना अपना जनाधार बनाए रखने के लिए, अपने अपने कार्यकर्ताओं को अपने साथ बनाए रखने के लिए हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तरफ से कई दावे पेश करता है। पहले ही अगर ये राजनीतिक दल कह दें कि नहीं, कोई बात नहीं, जिस हमको जितनी सीटें मिलेंगी हम लड़ लेंगे, तो ये नहीं होता है। अपनी अपनी राजनीति है, पर आप निश्चिंत रहिए, इंडिया समूह पूरी तरह एकजुट होकर और अगले हफ्ते 2 हफ्ते में ये स्थिति पूरी तरह स्पष्ट। तो मतलब ये बिहार में आप कह रहे हैं कि ये जिस तरीके का सवाल उठा है सीटों को लेकर गठबंधन में, फॉर्मूला शेयरिंग क्या रहने वाला है वो सुलझ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, ये महज एक पोस्टरिंग है जो नेताओं की तरफ से की जा रही है। तो बिहार की बात तो हो गई, सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मीडिया के सामने पर हैं, बीजेपी पर हमलावर हैं, सुनिए। टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, क्या पूरा हो गया? आज उत्तर प्रदेश में गांव में जाइए, बड़े पैमाने पे लोग कैंसर से बीमार हैं। इसी राजधानी में रिसर्च इंस्टीट्यूट बनी थी कैंसर की, क्या वो कैंसर इंस्टीट्यूट चालू हो गई? इसलिए मेरे समझदार पत्रकार, जाकर के कैंसर इंस्टीट्यूट में अपना कैमरा लगाइए, वहां पर जो डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो गए हों तो उनसे पूछिए, जानकारी हासिल करिए, और अगर ऑफिस आपको इजाज़त दे दे तो जो उन्होंने पहला मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार के सामने शिलान्यास किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज गरीब जनता की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उनकी मदद समाजवादी लोग करेंगे, जब मौका मिलेगा तब मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद नहीं की जा सकती मदद। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। गठबंधन की बात अच्छे माहौल में हो रही है, और सीधे निशाने पर बीजेपी सरकार को लेते हुए केंद्र की भी और उत्तर प्रदेश की भी। और इस सब के बीच अब मैं महाराष्ट्र का रुख करूंगी, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा स्पीकर का फैसला सामने आया कल, उद्धव ठाकरे के खिलाफ ये फैसला आया। और अब इसके बाद एनसीपी के जो दोनों धड़े हैं, चाचा और भतीजा वाला, मतलब शरद पवार वर्सेस अजीत पवार वाला मामला, उसमें भी फैसला जल्द आ सकता है। एनसीपी के विधायकों की अयोग्यता का मामला भी आप जानते हैं फंसा हुआ है।
सूत्रों के अनुसार एनसीपी विधायकों की अयोग्यता वाले मामले पर 31 जनवरी तक अब फैसला आ सकता है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। और ऐसे में अब सवाल बड़ा हो जाता है, कल जिस तरीके का फैसला आया उसमें उद्धव की हार, कैसे बचेंगे पवार? शरद पवार पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है आपको राकेश जी? नहीं, मुझे लगता है कि जब आप चुनावी गणित की बात करेंगी तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा फायदे में शरद पवार रहेंगे, क्योंकि वो दोनों तरफ से सीटें ले रहे हैं। इधर अजीत पवार एनडीए से लेंगे और शरद पवार इंडिया से लेंगे। जहाँ तक सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी को होगा तो उद्धव ठाकरे को होगा। उद्धव ठाकरे 23 सीटों का दावा कर रहे हैं, तो शरद पवार जी की तरफ से एक फार्मूला दिया गया है कि हम उन सीटों पे भी बात करें जहाँ पार्टियाँ दूसरे नंबर पे आई हैं। तो दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस आई है, 22 सीटें ऐसी हैं जहाँ कांग्रेस दूसरे नंबर पे है, 19 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे एनसीपी दूसरे नंबर पे है, और शिवसेना तीसरे चौथे नंबर पे चली जाती है क्योंकि 18 सीटें जीती थी। 18 सीटों में से आपके 13 सांसद चले गए हैं एकनाथ शिंदे जी के साथ। तो अब ये जो पूरा गणित दिखाई दे रहा है, उस पूरे गणित में आप देखेंगे कि कांग्रेस का दावा भी एनसीपी ने मजबूत किया है, अपना दावा भी मजबूत किया है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो दावेदारी कमजोर हुई है वो उद्धव ठाकरे की कमजोर हुई है। तो जब एनडीए और इंडिया गठबंधन की सीटों को बंटवारा होगा तो चाचा जी इंडिया गठबंधन से लेंगे और भतीजा जी एनडीए गठबंधन से लेंगे। यदि इन दोनों गठबंधनों की सीटों को आप जोड़ेंगे तो 48 में एनसीपी 1 और 2 कम से कम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन सवाल तो ये है ना, एनसीपी किसकी? वो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे को दिबांग कल झटका लगा है, एकनाथ शिंदे की एनसीपी, राहुल नार्वेकर ने फैसला सुना दिया है, अब अगली तलवार तो शरद पवार पर नहीं लटक रही है? जी जरूर लटक रही है, पर मेरे ख्याल से ये जितने भी नेता हैं इनका सारा फोकस इस समय लोकसभा चुनाव पर है, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण इनके लिए नहीं है। और जो राकेश बोल रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि सारा फोकस सीटों पर है और सीटें किसको ज़्यादा मिलेगी उस पर है। इसमें जो मैं घूम कर आया हूँ, जो मैंने जो बातचीत की है उससे मुझे लगता है कि इस बार जो उद्धव ठाकरे हैं शिवसेना के, उनको चूंकि जिस तरह की सिंपथी उनको मिल रही है, जिस तरह की रैलीज उनकी बड़ी बड़ी हो रही हैं, उनको ज़रूर बड़ा घटक उस गठबंधन में मानना चाहिए, उनको उसी हिसाब अनुपात में सीटें भी ज़्यादा मिलनी चाहिए। ज़रूर शरद पवार अपनी तिकड़म लड़ा रहे होंगे सीटें बढ़वाने के, ज़रूर कांग्रेस अपनी मांग रख रही होगी और इस पर कुछ तीखे बयान भी आ चुके हैं पहले, लेकिन मुझे लगता है कि शिवसेना के नेतृत्व में ही वहां चुनाव लड़ा जाना चाहिए, तभी इनको फायदा होगा। ठीक है, और इस सब के बीच देखिए कल जिस तरीके का फैसला आया ना, उद्धव ठाकरे साफ तौर पर कह रहे हैं कि मामला फिक्सिंग का है, फैसला पहले से ही फिक्स कर लिया गया था। उद्धव कह रहे हैं हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, सुनिए। शिवसेना ही संपड़ा नहीं, इस नतीजे की उम्मीद तभी थी जब वो आरोपियों से जाकर मिले। एक बात तो तय है कि उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, ये सारी फिक्सिंग पहले से तय थी, इसलिए दौरों की घोषणा की गई। यह परिणाम सर्वोच्च नहीं है, यह स्थायी नहीं रहेगा, हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी वाहिला पाहिजे। तो फैसला आने से पहले भी जो बात कही जा रही थी उद्धव गुट की तरफ से कि साहब मैच फिक्स है, फैसला पहले से फिक्स है, मुलाकात देख लीजिए आप हो गए राहुल नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की, फैसला आने के बाद भी कमोबेश वही आरोप दोहराते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए। लेकिन अब सवाल बड़ा विजय जी हो जाता है कि उद्धव का दावा हारा, विक्टिम कार्ड का सहारा, और इसी वजह से जो फॉर्मूला सामने निकल कर आ रहा है कि गठबंधन में साथी 20-20 कांग्रेस और उद्धव गुट शिवसेना का और 6 एनसीपी शरद पवार। उद्धव गुट जो उद्धव साहब कह रहे थे वो बात ठीक हो सकती है कि जो पॉलिटिकल वो लड़ाई लड़ रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो नार्वेकर साहब का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट की लाइन पर और चुनाव आयोग की लाइन पर ही है, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा विवाद नहीं है। लेकिन जब भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जा सकते हैं और वहाँ पर फैसला होगा, वो तो चुनावों तक नंबर आएगा। लेकिन आज उद्धव ठाकरे के पास ये मौका है कि वो ये साबित कर दे कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है, और जो लोकसभा के चुनाव है वहाँ पर शिवसेना उद्धव गुट सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर खासतौर से एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर आए। और मुझे लगता है महाराष्ट्र में आज की तारीख में भी भारतीय जनता पार्टी के बाद शिवसेना ही सबसे बड़ी पार्टी है, और इस गठबंधन में महाविकास आघाड़ी गठबंधन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सीट
शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलने वाली है, क्योंकि 23 में से 18 सीटें उन्होंने जीती है। 18 सीटों पर तो उनका हक है, भले ही वो 13 सीटें आज भारतीय जनता पार्टी के एकनाथ शिंदे साहब के साथ चली गई हो, लेकिन 18 सीटों पर उनका हक है। कांग्रेस 22 सीटों पर नंबर 2 पर होगी, लेकिन वो तो 18 सीटों पर नंबर 1 है ही, और 23 में से 18 वो उनका नंबर कम क्यों हो रहा है, क्योंकि 25 सीटें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दे दी थी, तो उसमें भी उनका हक बनता है कायदे से। तो और मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें किसी को मिलेगी तो वो शिवसेना उद्धव ठाकरे को मिलेगी, और उसके बिना इस गठबंधन का कोई मतलब नहीं है महाविकास अघाड़ी का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।